Friends, today once again I welcome you in Bishop Academy online classes. Today we have to get discussed over the very first chapter of geography, that is resources, their types. So first of all, we have to make it clear what the resources are. So here the definition that has been given in your book is: any material which is part of our environment that has been found on this earth, a part of our earth, if it can be useful to man, is a resource. So certainly हम ये कह सकते हैं कि वो हर एक चीज जो इस environment में है या इस earth पर पाई जाती है, जो हमारे लिए या ह्यूमन के लिए यूजफुल है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. अ रिसोर्स मस्ट हैव फॉलोइंग वैल्यूज. रिसोर्स के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी हैं. अमंग देम द वेरी फर्स्ट इज लीगल वैल्यू. मीन्स टू से द रिसोर्सेज हैव बीन एडॉप्टेड और एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑर्डिनरी यूजेज. मतलब सरकार के पास से आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अगर सरकार आपत्ति करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसे हम रिसोर्स नहीं कह सकते. दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू. वह काफ़ी यूजफुल होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. अगला है इथिकल वैल्यूज. इथिक इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर unwritten law. Certainly it is closely associated with culture. So here ethical values means जो हमारा culture है, culturally भी ये resources acceptable होने चाहिए. ये valuable चीज़ें जो हैं वो culturally भी acceptable होनी चाहिए, तब हम उसे resource करते हैं. Along with it economic value. इकोनॉमिकली वो वैल्यूएबल होना चाहिए. मीन्स जो भी उसका प्रोडक्शन कर रहा है उसको उस प्रोडक्शन से प्रॉफिट होना चाहिए. अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर उसे हम रिसोर्स कहते हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमॉन्ग रीजन्स. एक देश के अंदर स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में वेरिएशन है रिसोर्सेस का. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर लोहा ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर कोल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर मैग्नीज ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर कॉपर ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर गोल्ड पाया जाता है, कहीं पर डायमंड पाया जाता है, तो कहीं ह्यूमन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कहीं टेक्निकल स्किल ज़्यादा है. तो इस तरह से जैसा कि डिस्पैरिटी देखने को मिलता है स्टेट्स के बीच में, बिल्कुल वैसी ही डिस्पैरिटी देखने को मिलती है नेशंस के बीच में. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड हमारी है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस. टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल होती है रिसोर्सेस को डेवलप करने में. सो हियर यू फाइंड बाय टेक्नोलॉजी वी मीन द नॉलेज एंड स्किल पीपुल हैव फॉर यूज देयर रिसोर्सेस. The need of the people are not the same all over the world. They are vary and they change from time to time. जैसे जो ancient people थे, तो ancient people के लिए stone बहुत important resource था, लेकिन आज के date में उतना ज़्यादा importance नहीं दिया जाता है stone को. आज के डेट में स्टील और रबर, ये दो रिसोर्सेस हैं जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. अलॉन्ग विथ इट अगर हम बात करते हैं अरेबियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वाटर. वहाँ पर एक बर्ड होता है जिसे सुरखाब कहते हैं. लोग उसको अपने टोपी में जो है उसके पंख लगाते हैं, और जो भी लोग ऐसा लगाते हैं उनको बड़ा रिच माना जाता है. ऐसा इसलिए कि दैट पर्टिकुलर पर्सन नो अबाउट द
source of water which is very valuable in Arabian countries. So देश से देश के बीच में और area to area ये disparity पाई जाती है, importance बदलता रहता है, समय के साथ resources की value भी घटती बढ़ती रहती है. अगली चीज क्या है, इट helps ह्यूमन टू satisfy their नीड themselves. टेक्नोलॉजी लोगों को कैपेबल बनाती है इस चीज के लिए कि वो अपनी जो उनकी पर्टिकुलर नीड है उसको खुद ही पूरा कर सकें, किसी के हेल्प की जरूरत उन्हें न पड़े. अलॉन्ग विथ इट अर्ली मैन यूज सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज एज मॉडर्न मैन बट देयर टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट. एज यू फाइंड इन पैलियोलिथिक टाइम और स्टोन एज मैन यूज स्टोन टू मेक वेपन्स बट nowadays weapons could not be made by stones. Stones are used for making buildings, for roads, for bridges and so many other things. So here we find that the same resource with the passage of time get converted, or you can say their use get converted. Next, type of resources on their basis. So if we want to study a thing completely, it become essential for us to classify it. Same type of things could be applied with resources. So for classification it become essential for us to trace out basis. If we talk about resources, then there are various bases on which we classify the resources. Among them the very first is general classification. In general classification we classified resources in natural, human and human made resources. Natural resources are those resources that has been found in nature. Human resources are human itself which have capability to convert the natural resources in valuable forms. Even we need human for satisfying our needs like merchants, like doctors, like lawyers, like teachers, like postmen, like policemen. Entire these things are, persons are human resources. Along with it there are various man-made resources like bridges, pools, machines or even various type of life-saving medicines. Along with it on the base of exhaustibility the things whether get depleted or not, cheeze khatm hoti hain ya nahi. Exhaustibility ka means khatm hone se hai. To iske base par resources ko renewable matlab aise resources jinko hum use kar lete hain fir bhi wo khatm nahi hote, jaise hydel electricity hai, bahte hue pani se electricity produce ki jati hai. Is process mein zara sa bhi water jo hai वो यूज नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं होता है. जितना वाटर हम इकट्ठा किए रहते हैं अपने लेक में या डैम में उतना ही वाटर हम ऑफस्ट्रीमिंग में छोड़ देते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोल. कोल को जब हम जलाते हैं तो वो बस राख बचती है, राख से फिर दोबारा कोल नहीं बनाया जा सकता है. जबकि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी में जो वाटर हमने यूज किया वो बह करके पहुंचता है ओशियन में और ओशियन से फिर जो वाटर साइकिल है वो उस वाटर को ले जा करके और माउंटेन्स पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बरसात हो जाती है और वहां से फिर से वो लेक में आकर के भर जाता है. तो इस नेचुरल प्रोसेस के वजह से ये रिन्यूएबल हो जाता है. इधर क्लियर टू यू. अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये रिसोर्सेस आते कहां से हैं. तो इनके बेस पर रिसोर्सेस को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक वो सारे रिसोर्सेस जो लिविंग बीइंग से आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत समय पहले तक जो है यूरिया जो केवल और केवल लिविंग बीइंग से ही मिलता था, ये अलग बात है कि आजकल लैबोरेटरीज में भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है. एबायोटिक वो रिसोर्सेस हैं जो नॉन लिविंग बीइंग से आते हैं, जैसे जितने भी मिनरल्स हैं इंटायर दीज मिनरल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन में से खोद के निकाले जाते हैं, इसलिए ये सब इसमें कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए इसे हम एबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं. अगला है ऑन द बेस ऑफ देयर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेस एक्चुअल होते हैं, पोटेंशियल होते हैं और रिजर्व्स होते हैं.
एक्चुअल रिसोर्सेज या डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका आज के डेट में हम बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। दूसरा, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो इन अबाउंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बायोगैस है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे टाइडल एनर्जी है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी है। ये सारी एनर्जी जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम इसको कॉमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर पा रहे हैं। दो, राजस्थान में पिलानी में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट जिसको कहा जाता है, वो सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करने में लगातार वर्क कर रही है और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि आज बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ स्कॉलर्स यहाँ तक बताते हैं कि इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में सोलर पावर से क्रिएट की जा रही है, वो उतनी एनर्जी जो है वो हमारे आसपास के जो छोटे कंट्रीज हैं उनकी कंप्लीटली एनर्जी जो यूज होती है उसके बराबर है। अगला है, पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात हमने कर ली, रिजर्व्स। रिजर्व्स वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने फ्यूचर जेनरेशन के लिए बचा के रखा है। ये एक्यूट जो एक्चुअल रिसोर्सेज या डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उन्हीं का एक पार्ट है जिसे हम फ्यूचर जेनरेशन के लिए बचा के रखे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बिना रिसोर्सेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट बिकम एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। सो हियर यू फाइंड, व्हेन पीपल एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब उनके पास जीने के जो है वो बेहतर साधन अवेलेबल अगर होते हैं तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके मेन फीचर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां भी होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसमें पहला है, पीपल एंजॉय मोर कंज्यूमर गुड्स, बेटर न्यूट्रिशन एंड हैव लॉन्गर लाइफ। मतलब उनके पास ढेर सारा सामान होता है हर एक चीज के लिए, अलॉन्ग विथ इट बेटर न्यूट्रिशन होता है। मतलब कि अगर उनका हम BMI दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट अगर हम करें तो उसमें वो नॉर्मल या फिर अ लिटिल बेटर देन नॉर्मल के रेंज में आते हैं। मीन्स टू से अगर हम मेल की बात करते हैं तो उनका बॉडी मास इंडेक्स 20 से लेकर के और 25 या 30 के बीच में आता है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 19 से 29 के बीच में आता है। कहां होता है ऐसा? डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली। अगला क्या है कि उनके पास ये लाइफ, उनका लाइफ स्पॉन लॉन्गर होता है। अगला क्या है, दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेज, हैव ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। उनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं जिसके वजह से वो मार्केट से बहुत ढेर सारा सामान जो है खरीद लेते हैं, तो इसके वजह से दुनिया भर के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो डेवलप्ड कहा जाता है। अगला है, दे पजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कैन एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेस फुल्ली। उन्होंने जो उनके रिसोर्सेज जो भी उनके पास अवेलेबल हैं उनको कंप्लीटली यूज करते हैं, उससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वो क्रिएट नहीं होने देते। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ढेर सारे जो है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में शुगर मिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस शुगर मिल में हम क्या करते हैं कि सिर्फ शुगर निकालते हैं, बहुत ढेर सारे जो बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं। विद द पासेस ऑफ टाइम, मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हैं इधर के कुछ वर्षों में इंडिया में भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं शुगर के अतिरिक्त हम जो है
शुगर केन के सैप से ही एथेनॉल बना रहे हैं, पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है, हम उससे जो है वो मैन्योर बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इंटायर दिस थिंग्स इंडिकेट द डेवलपमेंट. ओके, एंड सर्टेनली द डेवलप्ड कंट्रीज यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन द मोस्ट ज्यूडिशियस वे, एंड सर्टेनली इफ दे स्टॉप द वेस्टेज देन सर्टेनली इंटायर दीज वेस्ट could provide them what? Wealth. Next, their productivity per hour is higher than that of the developing nation. मतलब वहां पर ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं, ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फास्ट चलने वाली मशीनें हैं, तो इसके वजह से वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा है. अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी कंट्री का वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज इन द रीजन, द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स एंड द स्किल एंड टेक्नोलॉजी पजेस्ड बाय देम. मींस टू से ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर देश, कोई भी कंट्री, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं. अगली चीज है कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी नीड क्या है, इसके साथ ही साथ उनके पास कितना स्किल है अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करने का. ठीक है, अगला क्या है, टू इंश्योर हायर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन अ कंट्री Certainly, a country should take care of following terms. इन चीजों का ध्यान दिया जाना चाहिए. Firstly, should be used immensely and effectively for practical purposes. मतलब कि जो important चीजें हैं, valuable चीजें हैं, उसे हम इस तरह से use करें कि उससे हमको benefit हो. रियलिटी में, सिर्फ ऑन पेपर नहीं. अगली चीज क्या होती है, सेकेंडली क्या है, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड. जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं तो फिर हमें उन रिसोर्सेज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. थर्डली, लॉ और ऑर्डर एसेंशियल होता है कि हम रिसोर्सेज को बेटर ढंग से यूज कर पाए. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि वेरियस इंस्टीट्यूशन स्प्रेड किए जाने चाहिए पूरे कंट्री में, जो लोगों को इन रिसोर्सेस के यूज के विषय में बता सकें. फिफ्थली, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी वैल्यूएबल गुड्स के प्रोडक्शन में केवल एक मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप सैंडविच बना रहे हैं, तो सैंडविच बनाने के लिए केवल और केवल व्हीट, जो कि उसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, इससे ही काम नहीं चलेगा. आपको व्हीट के साथ जो है ऑयल भी चाहिए, पोटैटो भी चाहिए, टोमेटो भी चाहिए, गार्लिक भी चाहिए, जिंजर भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए. इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक कढ़ाई चाहिए, गैस या फिर चूल्हा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तब जा करके आप सैंडविच बना पाएंगे. तो बिल्कुल ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड लास्टली, देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड पॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज सस्टेनेबल. इट बिकम एसेंशियल कि हम जो भी डेवलपमेंट अचीव करें वो बना रहे, ऐसा ना हो कि वो इस साल जो है हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया और अगले साल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं बचा. जैसे यहां पर एग्जांपल दिया जाता है ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन ने अपने यहाँ के जो ऑक और पाइन के ट्रीज थे उनको काट करके अपने नेवल फोर्सेस को जो है इम्प्रूव करने के लिए यूज कर लिया, और फिर वो पूरी दुनिया में जो है अपने नेवल फोर्स के बल पर पहुंचे. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि विद पासेस ऑफ टाइम उनके पास ऑक और पाइन के ट्री नहीं रह गए, जिसके वजह से उन्हें इस
टिम्बर के लिए दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री के साथ अगर आती है तो इस समय में उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज एंड इट्स नीड्स। रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व किया जाना जरूरी है, तो सबसे पहला क्या है, वी कैन नॉट रिन्यू रिसोर्सेज वंस दे यूज्ड, हेंस इट बिकम वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कंजर्व आवर मिनरल वेल्थ एट ऑल कॉस्ट। रिसोर्सेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, सर्टेनली इट इज क्रिएटेड बाय नेचर, दैट्स व्हाई इट बिकम एसेंशियल फॉर अस टू कंजर्व इट। दूसरी चीज क्या है, आवर सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस आर बेस्ड ऑन आवर मिनरल्स रिसोर्सेस, इफ दे गेट एग्जॉस्टेड देयर इज एवरी लिवलीहुड टू फियर दैट द होल आर्टिफिस ऑफ सिविलाइजेशन विल क्रम्बल। अगर ये जो भी हमारा सिविलाइजेशन है वो डिपेंड करता है किस पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस पर, अगर ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे सिविलाइजेशंस के साथ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हरप्पन सिविलाइजेशन, गंगा वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इंटायर दिस सिविलाइजेशन हैव टू फेस डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एज दीज रिसोर्सेस कैन नॉट लास्ट लॉन्ग इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज। आज के इंडस्ट्रियल एज में जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान प्रोडक्शन को बढ़ाने पर दिया जाता है, तो अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो नेचर उसको फुलफिल या रिकवर उतने समय में नहीं कर पाएगी, तो इसके वजह से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम को जो है हमें फेस करना पड़ेगा। इसलिए भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेस एंड देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि इससे पहले वाले स्लाइड में आपको बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाना चाहिए, तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जेनरेशन। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि फॉर कमिंग जेनरेशन के पास भी रिसोर्सेस रहें कि वो उनको अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ ड्यूटीज हैं, क्या है ये, फर्स्टली वी शुड मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट बाई चेंजेज इन कंजप्शन पैटर्न। जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है उसे हमें बदलने की जरूरत है। सेकेंडली वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को दूर किए जाने की जरूरत है। रिड्यूस द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, जिससे प्रॉस्पेरिटी आए। थर्डली वी शुड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इंटरेक्शन एमोंग ऑल नेशंस। तो लोगों के जीवन में बेहतर सुधार के लिए जो है देशों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले साल यूएसए को जरूरत थी तो हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया से जो है उसने डिमांड किया, इंडिया ने उसे दिया, और इस समय ब्रिटेन की कंपनी जो है वो इंडिया के जो है भारत बायोटेक के साथ मिलकर के जो है वो वैक्सीन बना रही है। रसिया ने जो है वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन बना करके जो है भारत को दे दिया है। तो ये कोऑपरेशन जरूरी है जिससे कि एक कंट्री के पास जो कुछ भी ज़्यादा है वो दूसरे को अगर देता है तो दूसरे के पास जो ज़्यादा है वो उसे देगा, तो दोनों की कमी क्या होगी, दूर हो जाएगी। अलॉन्ग विथ इट, फोर्थली वी शुड अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड वाइटेलिटी ऑफ आवर अर्थ। हमें ऐसा किया जाना, हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे जो भी प्रयास हों वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों,
जो भी हम फैक्ट्रियां लगाएं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, या हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं। फिफ्थली, वी शुड मेक एफोर्ट टू यूटिलाइज एंड सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। एंड लास्टली, दिस शुड एजुकेट कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर ऑन इन्वायरमेंट। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट के इफोर्ट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, कम्युनिटी को भी इसके लिए आगे आना होगा। इंडिया का एक बहुत अच्छा जो है हिस्ट्री रहा है, जैसे उत्तराखंड में जो है लोगों ने जो है चिपको मूवमेंट चलाया था अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर पहाड़ों से लैंडस्लाइड होगा जिससे विलेज डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो हर एक कम्युनिटी को इसके लिए अवेयर होना होगा। अगली चीज क्या है जो ध्यान रखा जाना चाहिए कि मेनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज बीन साइंड अमंग कंट्रीज विच सिक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जेनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सभी देश ऐसा प्रयास कर रहे हैं। 1992 में रियो डी जनेरो जो ब्राजील में है वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के जो हेड्स हैं वो वहां इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहां पर एक समिट किया था जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। इस समिट में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहा गया एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो इसमें देशों ने, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां इकट्ठा हुए थे, उन्होंने इसके लिए जो है बताया कि दुनिया के सभी देश 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा 21 बनाएंगे, एक इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरा हर एक देश, क्योंकि देशों के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं वहां की, वो अलग अलग हैं। दैट्स वाई इट बिकम एसेंशियल फॉर ईच कंट्री टू मेक द इफोर्ट एज पर देयर नीड, और इसके लिए लोकल लेवल पर एजेंडा 21 बनाए जाने की आवश्यकता जो है इस समिट में फील की गई और सभी देशों ने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। और आप लोग इसका जो है रिजल्ट आज के डेट में देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है प्लांटेशन किया जा रहा है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं कि इन फॉर कमिंग टाइम वी गेट अ मोस्ट प्रॉस्परस एंड पीसफुल एंड क्लीन एंड ग्रीन वर्ल्ड। सो विथ दिस एक्सपेक्टेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप you will remain healthy at your home, follow the COVID protocol, and God bless us all.